श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ हर साल जम्मू से रक्षाबंधन के दिन से लगभग 1.5-2 महीने पहले होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हजारों श्रद्धालु जम्मू पहुंचना शुरू हो जाते हैं और मंदिरों के शहर जम्मू में रौनक में इजाफा हो जाता है। यात्रियों के पंजीकरण का निरीक्षण किया जाता है। ये नुनवन एक्सरे पॉइंट है, ये पहलगाम का एंट्री पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम जो भी व्हीकल्स में या जो भी पैदल चलने वाले यहाँ पे यात्रीगण या यात्रीगण के साथ में जो टूरिस्ट भी आते हैं और लोकल लोग भी आते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे चेकिंग होती है। उनके सामान की सुरक्षा जांच होती है एक्सरे के द्वारा और उनकी भी सुरक्षा जांच होती है ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा में आने वाले यात्रीगण को कोई असुविधा ना हो, उनकी यात्रा पूरी सुरक्षित हो। इस फैसिलिटी को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस यहाँ पे मेंटेन करती है और हमारे साथ सहयोग करती है सेंट्रल रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्स। तो हम यहाँ पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेडीज़ के लिए अलग लाइन है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन है और अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है और बाकी के लिए बीच में से व्यवस्था रखी गई है। मेटल डोर डिटेक्टर्स है यहाँ पे और यहाँ पे एक्सरे मशीन्स हैं ताकि किसी भी प्रकार के गैर समाजी अंसर या एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पहलगाम में एंट्री न कर पाए। नुनवन में यात्रियों के सामान की और स्वयं उनकी पूरी जांच की जाती है और उनके सामान की स्कैनिंग वगैरह भी की जाती है। यहाँ आधुनिक उपकरणों द्वारा यात्रियों के असबाब का निरीक्षण भी किया जाता है। इस मुकाम पर यात्रियों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी मौजूद रहती है। यात्रियों की पूरी तरह से तलाशी ली जाती है ताकि असामाजिक तत्व यात्रियों के भेद में इस यात्रा में शामिल ना हो सके। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमने अपने मतलब पुलिस की सारी फोर्स रखी है, लॉ एंड ऑर्डर कंपोनेंट रखा है, यात्रियों के लिए हमने मतलब बोर्ड लगाया हुआ है, इसमें सारी उनके लिए क्या क्या करना है जानकारी है, कैसे जाना है, कौन कौन सा सामान साथ में कैरी करना है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की जो केव है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है तो उनको क्या वहाँ ज़रूरतें हैं वहाँ पे। साथ में यहाँ मेडिकल कैंप्स भी है, यहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए अलग अलग लाइन्स हैं, बूढ़ों के लिए अलग है, लोगों के लड़कों के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है, लेडीज़ कॉन्स्टेबल जो है वो यहाँ तैनात किए हुए हैं। तो इस तरह से मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी जो है असुविधा इसको यहाँ पर ना हो। पूरे कैंप एरिया में सुरक्षा के अचूक बंदोबस्त किए जाते हैं। यात्रा के दौरान नुनवुन में तंबुओं का शहर सा बस जाता है और छोटे मोटे नगर में उपलब्ध तमाम सहूलियात का इंतजाम मौजूद रहता है। श्राइन बोर्ड तथा रियासती सरकार की तरफ से यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है तथा उन्हें किसी बात का कष्ट या असुविधा ना हो, इसकी ओर खास तवज्जो दी जाती है। यात्रा के दिनों नुनवुन की चहल पहल देखते ही बनती है। यहाँ पहुंचकर तमाम यात्री यात्रा प्रारंभ करने की तैयारियों में लग जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। निश्चित तारीखों पर यात्रा प्रारंभ करने से पहले यात्रियों को इस बात के लिए शिक्षित किया जाता है कि उन्हें कौन सी एहतियात का इस्तेमाल करना होगा। यात्रा चूंकि दुर्गम क्षेत्रों से गुजरती है इसलिए यात्रियों को कपड़ों, खाने पीने तथा अन्य आवश्यकताओं के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जाती है। नुनवुन में छोटा मोटा बाजार भी सज जाता है जहां यात्रियों की सुविधा की अनेक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। बात चाहे जूतों की हो या छड़ी की या शीट्स की, हर चीज़ जो यात्रा में प्रयोग होती है
नुनगुन में आसानी से मिल जाते हैं। यात्रियों की यही कोशिश रहती है कि यात्रा कम सामान के साथ शुरू की जाए। नुनगुन से चंदनवाड़ी तक का 16 किलोमीटर का सफर आम तौर पर यात्रीगण गाड़ियों से ही करते हैं। यात्री मार्ग में लिद्दर नदी के फेनिल पानी को देखकर हिमालय की बहती धाराओं का आनंद उठाते हैं और प्रकृति से एकाकार होकर आनंदित महसूस करते हैं। 16 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद यात्रा का अहम मुकाम चंदनबाड़ी आता है। चंदनबाड़ी में यात्रा संबंधी दस्तावेज़ों की जांच की जाती है। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जिस दिन के लिए यात्रा की जानी है उस ग्रुप को उसी दिन यात्रा के लिए आगे भेजा जाए। चंदनबाड़ी में भी वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो कि नुनगुन में होती हैं। यहाँ पर यात्रियों की सेवा के लिए पिट्ठू तथा दूसरे घोड़े वाले पालकी वाले मौजूद रहते हैं और किसी भी ऐसे यात्री को यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाता जिसके पास यात्रा के समुचित दस्तावेज ना हो। कई संस्थाएं चंदनबाड़ी में भी लंगर का आयोजन करती हैं और तमाम यात्री तथा साधुगण जो कि इस यात्रा में बहुत ही उत्साह के साथ शामिल हुए होते हैं इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए यात्रा की समुचित व्यवस्था में घोड़े पालकियां और पिट्ठू प्रदान करने में इनकी मुख्य भूमिका रहती है। चंदनबाड़ी से ही यात्री अपने लिए पिट्ठुओं घोड़ों और पालकियों आदि की व्यवस्था करते हैं। यूं तो मार्ग में अनेक स्थानों पर घोड़े पिट्ठू वगैरह मिल जाते हैं किंतु चंदनबाड़ी में इनकी विशेष व्यवस्था होती है। यात्रा का अगला पड़ाव शेषनाग है और वहां तक जाने के लिए यात्री नए उत्साह के साथ और नई श्रद्धा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फुट की बुलंदी पर स्थित चंदनबाड़ी से आगे 3 किलोमीटर पिस्सू टॉप तक का कठिन रास्ता चढ़ाई से परिपूर्ण है। इस चढ़ाई के दौरान लिद्दर नदी यात्रियों के साथ साथ नीचे की ओर बहती नजर आती है। यात्रियों को काफी दमखम लगाना पड़ता है क्योंकि इस 3 किलोमीटर के रास्ते के बाद ही लगभग 6 किलोमीटर के अंतराल पर इस यात्रा का दूसरा पड़ाव शेषनाग पड़ेगा। मार्ग में कश्मीर हिमालय के अनुपम सौंदर्य का दर्शन होता है। पिस्सू टॉप तक का रास्ता यात्री धीरे धीरे आराम के साथ तय करते हैं क्योंकि पहाड़ी यात्रा करते वक्त मैदानी तौर तरीके इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, इससे ज़्यादा थकावट होने का डर रहता है। अनेक यात्री अपने साथ छड़ियां रखते हैं और चढ़ाई पार करते वक्त छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यह रास्ता काफ़ी संकरा है
और उसी रास्ते पर पैदल यात्री भी चलते हैं, घोड़े वाले भी सामान लेकर आगे बढ़ते हैं और पालकी वाले भी कमज़ोर और वृद्ध यात्रियों को उठाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए यात्री पूरी सावधानी के साथ इस घुमावदार पहाड़ी चढ़ाई को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। यात्रा की चढ़ाई का असली रंग पिस्सू टॉप तक ही शुरू होता है। अलबत्ता इसके बाद और भी कठिन चढ़ाई है, किंतु चंदनवाड़ी से आगे तत्काल चढ़ाई पिस्सू टॉप तक की मानी जाती है। अनेक पिट्ठू वाले या यात्री शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उन्हें मना भी किया जाता है, क्योंकि किसी वक्त भी किसी दुर्घटना की आशंका हो सकती है और अकेले दुर्गम रास्तों पर तत्काल सहायता भी उपलब्ध नहीं हो सकती। कतार बांध कर जाते हुए यात्री भगवान शंकर के जय घोष के साथ एक एक कदम आगे रखते हुए पहाड़ी रास्ता पार करते हैं। थक जाने पर अनेक यात्री चट्टानों पर या रास्ते में एक किनारे बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपने शरीर की शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग ना करें और थकावट होने पर कुछ देर विश्राम करके ही अगला सफ़र शुरू करें। सब पे चढ़ा बसंती रंग है, जात पात से ऊपर उठकर एक हुए सब एक उमंग है, जात पात से ऊपर उठकर एक हुए सब एक उमंग है। सबका एक अंदाज है, सबकी यही आवाज है, अब तो उसे ही झुकना होगा जिसके सिर पर ताज है। सुलग चुकी है हर चिंगारी, बनने को है शोले